described each and every step in a very easy way. So this is something which is very best on her profile. So, and all her pics are super amazing. So let me tell her name, jo cases se belong karte hain, unko pata chal gaya hoga. But for the rest of the people, her name is Aima from Jeddah. So assalamu alaikum, aap kaisi hain? Walaikum assalam. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. तो आप क्या छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं अपने बारे, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं? वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इस तरह मैं कुछ नहीं करती, लेकिन जो मेरी एजुकेशन थी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है. 2016 में कंप्लीट हुई थी मेरी पढ़ाई, पाकिस्तान कराची से मैंने की है. और उसके अलावा ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए मुझे अभी एक साल ही हुआ है. और मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जस्ट मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है और मैं DIYs बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मैं बहुत शेयर भी करती हूँ अपने प्रोफाइल पे. लेकिन मुझे शौक था कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं हम अपने घर को जो है वो DIYs के थ्रू किस तरीके से सेट कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग तो उससे की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कुकिंग की तरफ भी शौक है, मेकअप की तरफ भी शौक है, तो बस इस तरह से हम उसमें हो गए. वैसे जो है एक बेटा है मेरा और 4 years का, और जद्दा में मैं रहती हूँ और कराची से मेरा ताल्लुक है. जैसा कि अभी क्वारंटीन टाइम है, तो आपका टाइम कैसा गुजर रहा है क्वारंटीन टाइम में? अभी हर जगह क्वारंटीन टाइम, वैसे तो अब 3 months हो चुके हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि मतलब इतना बिल्कुल घर में बैठना, क्योंकि हम लोगों का होता था हर वीकेंड पे आउटिंग के लिए जाना. और इसके अलावा भी इब्राहिम को आउटिंग पे बीच में भी, मतलब वर्किंग डेज में भी हम लोग कहीं ना कहीं ले जाते थे रात में फॉर अ ड्राइव. अब इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन फिर आदत हो गई. समझाया उन्हें भी, इब्राहिम को भी, मतलब मेरे बेटे को, कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं और इस तरह से वायरस वगैरह है. लेकिन क्वारंटीन का एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि आप हमें थोड़ा सा टाइम मिला है फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने का. और कुछ फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, बट कुछ पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगेटिविटी भी है. लेकिन बेटर है कि हम पॉजिटिव साइड सोचें, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त पूरी दुनिया में नेगेटिविटी जो है वो पूरी फैली हुई है. तो बेटर ये है कि हम उसको पॉजिटिवली लें, ताकि हमारा माइंड भी अच्छा सेट रहे. एग्जैक्टली. तो अभी आपका क्या ओपिनियन है COVID-19 को देखते हुए? फिलहाल तो मेरा ये ओपिनियन है कि इस वक्त हम सबको जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है. इन अ सेंस कि हमें अगर कोई अपनी कम्प्लीटली क्वारंटीन में रहना चाहता है और अवॉइड करना चाहता है पब्लिक मीटिंग्स से, तो हम उसको पॉजिटिवली लें और उसको सपोर्ट करें. सेकेंडली, जितनी भी हाइजीनिक, इस वक्त हाइजीन की ज़रूरत है और जितनी भी हमें अपनी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, अपने आप को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ज़रूरत है, हमें उन सब चीज़ों पर अमल करना चाहिए. इस चीज़ को हमें नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए. एग्जैक्टली. हमें इसको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक स्प्रेडिंग डे बाई डे. तो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस रेदर देन टू बी सॉरी. तो आपने जैसे कि कहा कि आपने रिसेंटली अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो अभी आपको क्या फवायद नजर आते हैं बींग अ ब्लॉगर? बींग अ ब्लॉगर, आई गेस हमें चांस मिल जाता है. चांस कह लें या फिर इट्स अ गुड पॉइंट टू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर जब हम एक ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पे हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं होता, वैसे तो खैर पाकिस्तान में भी इतना हर वक्त तो मिलना मिलाना किसी से होता नहीं है, लेकिन हम एक जिस जगह पे होते हैं हम उधर के बारे में सिर्फ जान रहे होते हैं. जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आई थिंक आई फील कि मैं काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट हो गई हूँ. इससे मुझे हर जगह के बारे में और मतलब उनका लाइफस्टाइल देखने में, और मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. दूसरों का लाइफस्टाइल देखने में भी मज़ा आता है, और किसी की कोई मुझे रेसिपी अच्छी लगती है तो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं. मतलब काफ़ी सारे जो है वो इसकी अच्छी बातें, मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आया ब्लॉगिंग स्टार्ट करके. आई रियली एंजॉयड इट.
ठीक है, तो मतलब कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है ब्लॉकिंग में, तो ब्लॉकिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि ब्लॉकिंग में किसने आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और आपको लगा कि हाँ ठीक है अब मुझे ना अपना भी ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैं सिर्फ एक दो लोगों को फॉलो करती थी, जैसे कि शजीन को अगर आप जानती हो, शजीन को मैं फॉलो करती थी, फराज जहूर को मैं फॉलो करती थी, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती थी, और इसके अलावा मोमिस्टा दुबई जो कि सहर इफ्तिखार हैं उनको मैं फॉलो करती थी। ये कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मैं उनकी अभी भी मैं यानी कि इतना बिजी स्केड्यूल भी होता है ना तो मैं उनकी स्टोरीज खोल के जरूर देखती हूँ कि मुझे अच्छी लगती है उनका, मुझे लाइफस्टाइल भी पसंद है और जिस तरह से वो अपने आप को सेल्फ ग्रूम करके अलग रखती हैं मुझे वो सब कुछ भी बहुत पसंद है। ओके, तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए आपके फेवरेट ब्लॉगर्स कौन से हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं तो आपका क्या जो कौन से होंगे आपके? शजीन है ऑब्वियसली, उसके अलावा फराज जहूर है और मोमिस्टा है, सहर इफ्तिखार, और इसके अलावा जो और कुछ न्यू ब्लॉगर्स हैं जिनसे अभी यहाँ की जद्दा की टू फूड ब्लॉगर हैं एक वजीहा, वो मेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी कुकिंग की रेसिपीज, उनका स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो मेरी अभी स्टार्टिंग में अभी समझे मुझे 1 month ही हुआ है रमजान में, मैंने एक और ब्लॉगर को फॉलो करना शुरू किया है, माहम फातिमा नाम है उनका, मुझे काफी अच्छी लगती है वो, मतलब काफी जॉली और मस्ती मजा, मतलब आप अगर काफी डिप्रेस्ड भी हो और अगर स्ट्रेस में भी हो तो जब आप उनकी स्टोरीज देखते हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, चलिए जी अब हम अगला सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है लेट्स प्ले इमेजिन एंड इंस्पायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपको लॉटरी टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे लॉटरी टिकट मिलता है तो मैं क्या करूंगी? तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूंगी ताकि मेरे पास पैसे हैं। ओके, सिर्फ इन्वेस्ट करेंगी उसके अलावा कुछ नहीं करेंगी? मेबी शॉपिंग करूंगी, मेकअप खरीदूंगी बहुत सारा, मुझे मेकअप करने का और खरीदने का बहुत शौक है तो आई गेस मेकअप भी खरीदूंगी। इसके अलावा मे बी पॉसिबल मैं अपने लिए भी शॉपिंग करूँ, अपने बेटे के लिए भी शॉपिंग करूँ, अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करूँ, मुझे गिफ्ट देने का बहुत शौक है तो आई थिंक मैं ये सब चीजें करूंगी। ओके, तो अगर आपको मौका मिले कोई चीज चेंज करने का पास्ट में तो आप क्या चीज चेंज करेंगी? पास्ट में वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास्ट का टाइम इतना अच्छा गुजरा है तो आई डोंट थिंक सो मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, लेकिन फिलहाल पास्ट और प्रेजेंट तो ये कोविड है, अगर ये रिमूव हो सकता है तो आई थिंक मैं इसको रिमूव कर दूंगी। तो अगला क्वेश्चन है, इफ यू हैड अ चांस टू पैक अप कल के लिए, ठीक है यानी कि आपको मौका मिला है पैक अप करें अपना सामान और दूसरी कंट्री जाने का कल, तो आप कौन सी कंट्री चूज करेंगे? पाकिस्तान ऑब्वियसली। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले या चांस मिले कि यू हैव टू डू वन थिंग फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ तो आप क्या चूज करेंगे? आई थिंक मैं या तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी या मैं टीचर बन जाऊंगी। Okay. क्योंकि मुझे टीचिंग का बचपन से बहुत शौक है और मेकअप का भी मुझे बहुत शौक है और मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। अभी मैंने अपना एक और नया पेज स्टार्ट किया है, उसमें मैंने अभी कुछ पोस्ट नहीं किया है बट मेरा नेक्स्ट जो है वो यही है कि मैं मेकअप के ऊपर करूंगी इंशाल्लाह फोकस करके। तो अगला जो क्वेश्चन है, इफ यू हैड अ चांस टू गो टू आवर रियलिटी शो तो व्हाट शो विल यू चूज? वैसे तो मुझे रियलिटी शोज इतने पसंद नहीं है, बहुत कम होते हैं उनके, ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में बहुत कम ही ऐसे रियलिटी शो बनते हैं सिवाय वो एक उमर शरीफ वाला जो होता है एक वो वाले के अलावा, और एक जीतो पाकिस्तान वो भी सही है। मुझे इंडियन में कपिल शर्मा का शो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें मैं बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करूंगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जीतो पाकिस्तान में चली जाऊंगी। ओके, तो मतलब जीतो पाकिस्तान में आप जाएंगी। तो हु इंस्पायर्स यू मोस्ट इन लाइफ? माय मॉम ऑब्वियसली। ओके, मेरी मम्मा की अंदर सारी क्वालिटीज थी, उनको फोटोग्राफी का भी शौक था, उनको वो कुकिंग भी करती थी, उनको स्टाइलिंग का भी शौक था, बहुत अच्छे ड्रेस डिजाइन करती थी। अब ये है कि वो मैं करने लग गई हूँ लेकिन अभी भी वो करती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं और फोटोग्राफी वो बहुत अच्छी करती है, मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत सारी चीजें मेरी मम्मा से ही ट्रांसफर हुई है तो आई थिंक शी इंस्पायर्स मी अ लॉट।
ओके यार, इस साल का सबसे बेस्ट मोमेंट अभी तक आपका कौन सा है? बेस्ट मोमेंट मैं बताऊं, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो वी वेंट फॉर अ ट्रिप टू ताइफ एंड आफ्टर वीक वी वेंट टू मदीना. तो दो वीक्स मेरे दोनों बहुत अच्छे गुजरे, बिल्कुल जनवरी में 2020 के. तो मुझे लगा था इस साल की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है. उसके बाद बहुत सारे फैमिली में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आईं और मसले मसाइल हुए और कोविड आ गया, तो वो जरा था. लेकिन अगर मैं बेस्ट मोमेंट की बात करूं तो जब मैं मदीना ट्रिप पे गई थी और ताइफ ट्रिप पे गई थी, तो वो मेरा बहुत बेस्ट मोमेंट था. ओके, तो अगला क्वेश्चन है, आप क्या चाहेंगी कि मैं अपने में चेंज कर लूं? आई थिंक मैं अपने बारे में चेंज ये करना चाहूंगी कि मैं बहुत जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, और जो मुझे बाद में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है. आई डोंट नो क्यों मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ, बहुत दफा मैंने इसका नुकसान भी उठाया, बट दिस इज माई बैड हैबिट कि मैं बहुत जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ. ठीक है, सो व्हाट मोटिवेट्स यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग? तो क्या चीज है जो आपको कहती है कि जाग जाए सुबह हर रोज? इब्राहिम. और मुझे जब भी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे ये होता है इब्राहिम को चेंज कराना है, इब्राहिम को नाश्ता कराना है, इब्राहिम बस इब्राहिम का काम करना है. उसकी वजह से मुझे लेट होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई वोक अप. ओके, तो ठीक है, अब हमारा अगला सेगमेंट है, लेट्स रिवाइव चाइल्डहुड मेमोरीज. सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जब आप स्कूल? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग था, और सेकंड नंबर पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इस्लामियात था. और मेरे दोनों सब्जेक्ट्स में हमेशा से बहुत, वैसे भी मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन इस्लामियात और ड्राइंग में मेरे 90s में मार्क्स आते थे. ओके, अमेजिंग. व्हाट्स योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? चाइल्डहुड मेमोरीज में मेरा ये था कि मैं अपने मेरे फादर ने मुझे जो है, हम तीन बहन भाई हैं, मेरे दो छोटे ब्रदर्स हैं और मैं एक बड़ी. हमें उन्होंने जो है माशाल्लाह से उम्रे पे भी लेके आए हैं और पाकिस्तान टूर भी बुक कराया है. तो मतलब हमने काफ़ी इंजॉय किया अपनी लाइफ, चाइल्डहुड लाइफ को. तो ये था कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट था वो था जब मैं ज्यारत ट्रिप पे गई थी अपनी फैमिली के साथ. मेरे कुछ कजन्स वगैरह, मेरे मामू सब मेरे साथ गए थे. तो मतलब मुझे वो ट्रिप मैं अभी तक नहीं भूलती, और वो मेरा बेस्ट ट्रिप था. और सेकंड बेस्ट ट्रिप मेरा वो था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे उमरा करने आई थी, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th. और मुझे वो भी नहीं भूलता क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था और मैं काफ़ी सीवियर बीमार हो गई थी, तो काफ़ी मेरे लॉन्ग चल गया था वो. तो उस टाइम मुझसे किसी ने पूछा था कि जल्दी से ठीक हो जाओ, ये बताओ कि करना क्या, मतलब क्या जा रहे हो. तो मैंने कहा कि मुझे जो है उम्रे पे जाना है. तो बस अल्लाह ताला की करनी ऐसी थी कि बस मैं ठीक हो गई थी तो मेरे मामा पापा मुझे उम्रे पे लेके आए थे. तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर मेमोरेबल टॉय जिसके साथ आप हमेशा खेलती थी बचपन? मैं डॉल्स वगैरह से बहुत खेलती थी और मुझे डॉल्स बहुत पसंद थी. लेकिन एक टाइम तक मुझे बार्बी डॉल बहुत पसंद थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे अपने से बड़ी डॉल्स पसंद आने लग गई थी. लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे पेन और पेपर से खेलने का बहुत शौक था. मैं अपनी फुप्पो के घर भी जाती थी, तो मैं उनसे कहती थी मुझे पेन और पेपर दे दें, बस मुझे कुछ लिखना है. और मुझे लिखने का बहुत शौक था, मुझे फेरी टेल्स पढ़ने का बहुत शौक था. मतलब मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा क्लोजनेस थी. मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई एक टॉय नहीं था. मुझे डॉल्स भी अच्छी लगती थी, मुझे पेपर पेंसिल भी पसंद था. लाइक मैं कुछ लिखती रहूँ, पेंटिंग करूँ, ये सब चीज़ें मेरी फेवरेट होती थी. जब आप छोटी थी तो आप क्या बनना चाहती? जब मैं छोटी थी ना, तो आपको इतनी हंसी आएगी. मेरी आई वॉज इन मॉन्टेसोरी और मेरी टीचर मुझसे पूछती थी कि आप बड़ी होके क्या बनोगी, तो मैं उनको कहती थी दुल्हन. तो सब बच्चे हंसना शुरू हो जाते थे. थोड़े टाइम तक तो मुझे यही रहा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे टीचर बनने का बहुत शौक हो गया. और मैं बचपन से जब मुझसे कोई पूछता था क्या बनोगी, तो मैं कहती टीचर. तो मुझे टीचिंग का काफी शौक है, और मैं अगर मुझे बाद में कुछ टाइम के बाद अगर चांस भी मिला तो शायद मैं टीचर बनूं.
ओके जी टीचर, गुड लक के आप। तो अब हमारा जो सेगमेंट है वो फेवरेटों पर है, एंड इसमें मैं आपसे पूछूंगी आपकी फेवरेट चीज है, तो आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? निहारी एंड बिरयानी। निहारी एंड बिरयानी, ओके। एंड मीठा? मीठे की मैं इतनी ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, आई डोंट लाइक डिजर्ट, लेकिन कोई भी नया कोई अच्छा बनावा हो, लाइक नाउअडेज मुझे ओरियो ट्रफल्स बहुत पसंद है, और मेरी रेसिपी यूट्यूब चैनल पे भी है तो वो भी आप देख सकती हैं। तो मुझे ओरियो ट्रफल्स बहुत पसंद है अभी नाउअडेज। वैसे तो मैं बस दो चमचे खीर के भी खा लेती हूँ, और किसी भी लबेशीरी कस्टर्ड इस तरह की किसी भी चीज के, मैं मतलब बस टू बाइट्स, इतनी ज्यादा मुझे मीठा नहीं पसंद। ओके ठीक है, और आपकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है? मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है, और मैं खेलती भी थी अपनी यूनिवर्सिटी डेज में, और क्रिकेट भी मुझे बहुत पसंद है, बट बैडमिंटन नंबर वन पे। बैडमिंटन नंबर वन, ओके ठीक है। और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी मेरी फेवरेट मूवीज बहुत सारी हैं। मुझे पहले तो रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद थी, बट अब मुझे कॉमेडी भी पसंद है, और अब मुझे आपको हंसी आएगी सुन के, मुझे फेवरेट मूवी मेरी जो है वो हम साथ साथ और हम आपके हैं कौन, ये वाली मूवीज मेरी फेवरेट है, क्योंकि उस टाइम पे ये जो मूवीज बनती थी ना, ये मुझे मतलब इवन मैं अभी भी ना जब देखने बैठती हूँ तो बड़ा मजा आता है, तो उस टाइम वाली मूवीज अब बनती नहीं है, तो उससे बहुत इंजॉय करती हूँ। और सबसे ज्यादा उनका गेटअप जो होता था ना, जो ज्वेलरी और ड्रेसिंग उनकी जो होती थी, खासकर हम साथ सॉरी हम आपके हैं कौन में माधुरी का गाना नहीं है, ये मौसम का जादू है मितवा, उसमें जो उसने ड्रेसिंग की हुई है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरा कभी अगर मुझे चांस मिला तो मैं वैसा जरूर बनवाऊंगी। बाकी ये है कि पाकिस्तानी मूवीज में आजकल पाकिस्तानी मूवीज काफी अच्छी चल रही है, और रिसेंटली मैंने परवाज़े जुनून देखी थी, और वो मेरी बहुत फेवरेट है, उसमें मुझे हानिया और हमजा अली अब्बासी का कपल बहुत अच्छा लगा। ओके ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है वो आपका फेवरेट रियलिटी शो? जैसे मैंने अभी बताया था मुझे रियलिटी शोज इतने ज्यादा पसंद नहीं है, बस टाइम पास के लिए मैं देख लेती हूँ, तो अगर उसमें अगर पूछा जाए तो आई थिंक ये जीतो पाकिस्तान, अगर मुझे वो मौका मिला ना, वो जो 10 तोले वाला और 20 तोले वाले, तो मैं वो गेम जरूर खेलूंगी। चांस मिले तो कितने आपको लगता है कि मैं जीतूंगी, 20 तोला, 10 तोला या 5 तोला? मैं तो मेरी तो ये कोशिश होगी मैं 20 तोला ही जीत जाऊँ, और अगर ट्रेजर बॉक्स मिल रहा होगा तो मैं ट्रेजर बॉक्स में गाड़ी और जो भी कुछ निकलेगा बस मैं ट्रेजर बॉक्स ले लूंगी। और अगर खाली निकल आया तब क्या करेंगी? कोई बात नहीं, ये तो सारी लक की बात होती है। ये भी है, फिर तो मैं दुआ करती हूँ कि आपको चांस मिले जीतो पाकिस्तान जाने का और जीत के आने का। ओके सो अगला क्वेश्चन है आपका फेवरेट ड्रामा? आज इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड है जो आजकल चल रहा है, ये दिल मेरा। वैसे जो मेरे पहले फेवरेट ड्रामास थे, मुझे यकीन का सफर बहुत पसंद आया था, और इसके अलावा दिल मोम का दिया बहुत अच्छा था, प्यारे अफजल भी अच्छा था, बट उसकी एंडिंग मुझे वो वाली एंडिंग्स पसंद नहीं आती जिसमें हीरो या हीरोइन में से कोई मर जाता है। ओके तो सबसे बेस्ट ड्रामा कौन सा है अभी के लिए? दिल मेरा। ये दिल मेरा अभी उसकी एंडिंग क्योंकि देखी नहीं है, अब आज क्या होती है ये तो पता चलेगा, फिलहाल के लिए ये दिल मेरा। अभी आजकल कश भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपकी फेवरेट बुक? मैं वैसे बुक वाली हूँ नहीं, मुझे फेरी टेल्स बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने जो अभी अपने यूनिवर्सिटी डेज में मैंने पढ़ा था पीरे कामिल, अगर आपने सुना हो तो, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, पीरे कामिल नॉवेल है तो मैंने वो पढ़ा था, काफी मुझे अच्छा लगा था। और इसके अलावा रिसेंटली मैंने अलिफ पढ़ा था, अलिफ जब ड्रामा चल रहा था, अलिफ ड्रामा भी मेरा फेवरेट है, जब अलिफ ड्रामा चल रहा था तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो मुझे एक होता ना क्यूरियोसिटी होती है आपको कि भाई जल्दी से पता चल जाए कि ड्रामे में होगा क्या, तो मैंने अलिफ नॉवेल पढ़ा था तो मुझे लिटरली बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। तो आपको ड्रामा पसंद है, नॉवेल ज्यादा पसंद आया?
मैं कहती हूँ कि जो नॉवेल था ना, उन्होंने उस नॉवेल को ड्रामे में बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया है, बहुत अच्छे तरीके से. यानी आपकी इमेजिनेशन में जो करेक्टर है ना, उन्होंने वही उतार के आपके सामने लिख किया है. जिस तरीके से उसमें एक एक करेक्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने उस करेक्टर को उन्होंने बनाया. और उसमें मेरा फेवरेट करेक्टर जो था, एक तो दादाजी थे जो कि बहुत अच्छी बातें करते थे, और मोमिना. मोमिना भी मेरा फेवरेट. एक्टिंग सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छी की है. हमजा अली अब्बास ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बट मेरा जो फेवरेट करेक्टर था वो एक दादाजी का था और एक मोमिना का. Who is your favorite actor and actress? पाकिस्तानी या इंडियन? जो मर्जी. फेवरेट बहुत सारे. अच्छा, अगर इंडियन में ले तो आजकल आलिया भट्ट मुझे बहुत पसंद आ रही है, और वरुण धवन. या और इन दोनों का कपल भी मुझे बहुत पसंद है. ठीक है, और अगर पाकिस्तानी में लें तो सजल नाहद. ओके, ठीक है. तो व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू अलोन? आप क्या करना पसंद करती हैं जब आप अकेले होती हैं? जब मैं अकेली होती हूँ, वैसे तो मैं अकेली होती नहीं हूँ, ये कह सकते हैं, जब मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं क्या करना पसंद करती हूँ, तो मुझे या तो मैं स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम, और अगर मैं वो भी ना कर रही हूँ तो फिर मैं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लेती हूँ कि लाइक इब्राहिम के साथ मिलके कोई ना कोई पेंटिंग कर ली, या फिर कोई DIY, जैसे कुछ बॉक्सेस रखे हुए उसका कुछ बना लिया, कुछ ना कुछ, जैसे कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, कुछ अच्छा इंटरैक्टिव बन जाए. यानी कि DIY. और फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? आजकल तो मैं कैरम बहुत खेल रही हूँ. कैरम मेरा फेवरेट है. ओके, ठीक है. तो ये वैसे, लेकिन मैं फिजिकली नहीं खेल रही हूँ, ऑनलाइन खेल रही हूँ. फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज रेड. वैसे तो मुझे सारे कलर्स पसंद है, बट अगर मुझे सारे ऑप्शंस दिए जाए तो आई विल पिक रेड. Okay, great. What is your favorite fruit? Seasons के हिसाब से I like fruits. वैसे मुझे mango पसंद है, और orange, watermelon. Watermelon is my favorite. वो तो मुझे कभी भी दे दो, मैं कभी भी खा लूँ. और vegetables में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? I'm not a vegetable person. मैं गोश्त वाली person हूँ. I'm a meat eater. लेकिन वेजिटेबल्स अगर मैं कहूँ तो आई गेस सोचना पड़ेगा. कुकम्बर इज माय फेवरेट. ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट्स योर बिगेस्ट पेट पीव? यार, आई थिंक अगर मैं किसी चीज में बिजी हूँ और कोई मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहा हो तो वो चीज मुझे बहुत अनॉय करती है, क्योंकि मैं आई कंसिडर कि हर चीज का अपना अपना टाइम होता है. जैसे मैं अपना अगर कोई काम कर रही हूँ तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ और अगर मुझे बार बार मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा आके ये बोले, या फिर मेरे हस्बैंड बीच में से बोले कि भाई इसका ये काम कर दो, तो आई फील कि जब तक मैं फ्री बैठी हुई हूँ तो उस वक्त तक तो चलो मेरे लिए ईजी होता है, बट अगर मैं कोई काम में बिजी हूँ, लाइक कुकिंग ऐसी चीज है कि उसमें आपको अपना पूरा फोकस देना पड़ता है, आप इधर उधर देखेंगे ना तो आपकी जो मेजरमेंट्स है वो आपकी प्रॉब्लम करेंगी. झटपट तो पकाने वाला काम एक अलग होता है, जब कोई इम्पोर्टेंट चीज बना रही हूँ तो उस टाइम की इंटरप्शन थोड़ी सी मुझे अनॉय करती है. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी किताब है जिसको आपने पढ़ा और आपकी लाइफ चेंज हो गई? यार, एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब कोई बुक पढ़ के मेरी लाइफ चेंज हो गई. आई पिक सम पॉइंट्स and I try to change those things in me. अगर कोई चीज ऐसी बुरी है या कुछ ऐसा चेंज मुझे करना चाहिए, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि लाइफ अगर आपकी चेंज होती है ना तो वो एक्सपीरियंसेस से होती है. इट्स माई थॉट. किसी बुक के पढ़े से या किसी ऐसी किसी टेलीफिल्म या किसी मूवी, कोई इंस्पिरेशनल मूवी हो उसको देख के या किसी को भी देख के, आप मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. आपके अपने एक्सपीरियंसेस आपको चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा क्या चीज नोटिस करती हैं जब भी आप किसी बंदे से मिलती हैं? आई थिंक उसका बोलने का स्टाइल. जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, फर्स्ट थिंग आई नोटिस हाउ शी और ही स्पीक्स.
क्योंकि सबसे ज्यादा चीज यही मैटर करती है. कुछ लोग होते हैं कुछ खामोश तबीयत के, तो उनसे मैं भी थोड़ा सा कम ही बोलती हूँ, ज्यादा नहीं बोलती. वैसे मैं बहुत टॉकेटिव हूँ और मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन उल्टा सीधा भी बोल देती हूँ कभी कभी. लेकिन जो है मैं सबसे पहले किसी भी इंसान में जो है उसका स्पीकिंग का देखती हूँ, बाकी चीजें बाद में आती. सबसे पहले बात, फिर उसके बाद आप कुछ और सीख लेंगे. ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द वन थिंग यू आर डीपली प्राउड ऑफ? द वन थिंग इज दैट माय पेरेंट्स ऑलवेज वांट मी टू कंप्लीट माय स्टडी. मुझे लगता है कि मेरी शादी हो गई थी, मेरा फाइनल ईयर था और मेरी पढ़ाई कंप्लीट मैंने शादी के बाद की, और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट थी जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकी अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज की तरफ से कोई भी ऐसा पाबंदी नहीं थी मेरे ऊपर, तो वो मैंने कंप्लीट करी. लेकिन मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट करी. और ये मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा, मैं अपने पेरेंट्स की एक ख्वाहिश पूरी की. आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ इट. ओके ठीक है, तो अगला जो हमारा आ जाता है राउंड, वो है रैपिड फायर राउंड. इसमें मैं पूछूंगी क्वेश्चंस एंड आप देंगी जवाब. ठीक है, तो क्वेश्चन, इन विच ईयर द पॉपुलर वीडियो गेम फॉर्टनाइट वाज रिलीज्ड? आई थिंक 2017. यस, इट्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेंपरेचर सेंटीग्रेड डज वाटर बॉइल्स एट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स करेक्ट. The next question is, what is the busiest airport in British called? Okay, London Heathrow. Yes. My next question is, what language is spoken in Norway? Norwegian. Yes, it's correct answer. We have last question now. How many centimeters are there in a meter? 100 centimeters. Yes, correct answer. And last question is, what company is also the name of one of the longest river in the world? कौन सी कंपनी जिसका नाम रिवर के साथ मैच करता है? I think Amazon. Yes, correct answer. You are a genius. 10 out of 10. What do you do when you get angry? मैं कुछ भी नहीं करती, मैं खामोश रहती हूँ, नाराज रहती हूँ बस, that's it. I don't react. वैसे तो मैं, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, but sometimes अगर मुझे गुस्सा आ जाता है तो I never react. उस वक्त नहीं करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, जो भी बात होती है उसको क्लियर, थोड़ी देर बात कर, गुस्सा नहीं करती किसी पे, रिएक्ट नहीं करती, थोड़ी देर बाद मैं उस पर क्लियर करती हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था. यानी कि आप उसी बंदे से क्लैरिफाई करें. Yeah. ठीक है. अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू रिलीज स्ट्रेस? आई थिंक वैसे तो मुझे स्ट्रेस कम होता है, लेकिन स्ट्रेस जिन चीजों पे होता है दैट इज द मेन थिंग ना. तो मुझे स्ट्रेस सबसे ज्यादा जो होता है ना वो अपनी फैमिली को लेके होता है. अगर अल्लाह ना करे किसी कोई बीमार हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम में हो तो मुझे उससे स्ट्रेस होता है, और वो मैं रिलीव करने के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ. I think वो टाइम लेता है थोड़ा, अपना टाइम पूरा करके ही जाता है. जब things got better, things will get better, then my stress go away. That's it. Okay. अगला क्वेश्चन है, what career path do you see yourself in the future? आपको क्या लगता है कि आप फ्यूचर में क्या प्रोफेशन अप्लाई करेंगी? अगर मुझे चांस मिला, सबसे बड़ी चीज होती है चांस का मिलना, चांस अगर मुझे मिला तो आई थिंक आई विल बी अ टीचर और अ मेकअप आर्टिस्ट. ओके, यू विल बी अदर टीचर या एंड मेबी आई एम अ यूट्यूब ब्लॉग. मुझे लगता है इससे कुछ मेमोरीज भी, मुझे क्योंकि मेमोरीज बनाने का शौक है, आई थिंक ब्लॉगिंग करके हम कुछ अपने कैमरे में चीजें सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, जो हम बाद में देख कर खुश हों कि भाई हमने ये किया था. Exactly. और बाकी ये है कि इरादा तो ये है ब्लेक्सी, अगर लक हुई
चैनल ग्रो कर गया तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो गुड लक फॉर दैट. एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू दोस हु आर थिंकिंग टू बिकम ब्लॉकर्स? जो लोग ब्लॉकिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या वो ब्लॉकर बने या रहने? नहीं, इट्स गुड इफ एनीवन वांट्स टू बिकम अ ब्लॉगर, इट्स गुड, बट द मेन पॉइंट इज दैट पेशेंस. पेशेंस इस ब्लॉगिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझे कि अगर आपने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और यू विल बिकम फेमस, फट से आप फेमस हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. मुझे एक साल हो गया, स्टार्टिंग में मैंने खुद इतना टाइम नहीं दिया था ब्लॉगिंग को. मैंने बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत स्लोली लेके चली हूँ. अब मैं जितनी पोस्ट करती हूँ फ्रीक्वेंटली, मैं इतना पहले नहीं करती थी. मे बी शायद इतना टाइम मुझे अब मिलने लगा है, घर में हूँ फारिग, तो इसलिए तो इट विल टेक टाइम और पेशेंस जरूरी है उसके लिए. एकदम से फेमस नहीं हो जाते, थोड़ा सा खून पसीना बहाना पड़ता है. Exactly. Although I am not famous, I am not that famous. गिनती की कुछ ब्लॉगर्स ही मुझे शायद जानती होगी, लेकिन आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए. इवन मुझे भी टाइम चाहिए अभी. Exactly. सही आप कह रही हैं. और एनी एडवाइस फॉर दोस हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, जो आपको देखेंगे उनको क्या कहना चाहिए? इस वक्त तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस मैं ये दे सकती हूँ कि प्लीज टेक दिस कोविड सीरियसली. Yes. और प्लीज मतलब अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन पब्लिक प्लेसेस, और जितनी भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपनी केयर कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. Yes, exactly. You're right. So yes, it was great to have you, Inma, in the show, and I really enjoyed. And I hope that आपको भी आपके show में अच्छा लगा. Thank you so much. And जो लोग show को thank you so much for inviting me. You're welcome. And it was so here's a small gift. Thank you. You're welcome. Thank you so much for having me, for inviting me for this interview. I am really very happy. Don't forget to like, subscribe and comment.